बताइए कि किसान किसी भी जाति का हो, उनके फसलों का दाम उनको मिल रहा है, उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है। बीते क्या लै बाबू कमाए पैसा, आ 4 साल बीते कैला के बाद ग्वालियर भोपाल इंदौर पूना पप्पा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो पप्पो कहते दिनाए दोनों की करते। आप सोचिए इस बात को कि बिहार के लोगों को बाहर में अपमानित किया जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। तो सरकार के खिलाफ अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को संकल्प में बदलिए और एक एक बटन महागठबंधन पर दबाइए। आपके सोचिए कि लोकतंत्र में हमको अपनी सूरत और सीरत बदलने का मौका मिला है। अपने गुस्से का इस्तेमाल किसी का दिल दुखाने के लिए हम नहीं करने वाले हैं। अपने गुस्से का इस्तेमाल हम इस सरकार को बदलने के लिए करने वाले हैं। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाथ उठा करके बोलिए सरकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाथ उठना चाहिए, सरकार बदलेगा, यही संकल्प है हमारा। और हमारे संकल्प पत्र में, हमारी तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में, जिसको हम कहते हैं संयुक्त साझा कार्यक्रम, उस संयुक्त साझा कार्यक्रम में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, बिहार के भीतर रोजगार पैदा करना पड़ेगा। जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी माताएं बहने हैं, हमरो माँ आंगनवाड़ी में काम करे जाना चाहोगे ना? हमर सरकार बनते तब न मानदेय बढ़ाई लेते हो। गरीब सरकार बने चाहिए नहीं बने चाहिए? इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि जो हमारा मुद्दा है, जिसमें हम कहते हैं कि वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इन मुद्दों पे हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये कठिन लड़ाई है, कठिन संघर्ष है, इसमें हमको अपने जोश के साथ, अपने होश के साथ और जो हम 5 साल में झेले हैं उस एक एक दर्द का हमको हिसाब लेना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि पढ़े वाला बिहारी कोटा, पढ़वे वाला बिहारी कोटा, तो कोटा में कोचिंग किया चलते, खुदावनपुर में कोचिंग नहीं खुल सके थे। इंजीनियर हमर बच्चा बनते हमर पैसा से, कहाँ? गुड़गांव में। नौकरी कहाँ करते? गुड़गांव में। ऐसा की छे गुड़गांव, ऐसा की छे गुड़गांव, क्या कॉल सेंटर मुजफ्फरपुर में नहीं खुल सकता है? बेगूसराय में नहीं खुल सकता है? क्या भागलपुर में नहीं खुल सकता है? हम चिल्का अपन माइक कोस्ट बगल में रखे, दुर्गा आई लिया खातिर माइक कपड़ा जगरना छिके जगह नहीं पिन्ह। ये परिस्थिति बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और बिहार के लोग, उनकी प्रतिभा, उस पर कोई सवाल नहीं। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर बिहार में कोई प्रतिभा की कमी होती तो आप इस बात को जान लीजिए कि भगवान बुद्ध को भी बिहार की धरती पे ही ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की धरती प्रतिभाओं को पैदा करने वाली धरती है। बोलिए, सबसे ज्यादा यूपीएससी में बिहारी लोग सक्सेस होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहारी लोग बनता है कि नहीं बनता है? अगर ऐसी बात है तो फिर बिहार की प्रतिभा जब दूसरे राज्यों में जाकर के कमाल कर सकती है तो क्या बिहार के लोग बिहार में कमाल नहीं कर सकते हैं? बिहार की लड़की केरला में जाकर के टॉप कर रही है, हमारी बच्ची केरल में जाकर के टॉप कर सकती है, तो क्या वो प्रतिभा बिहार में आकर के नीति नहीं बना सकती है? क्या बिहार की समस्याओं से मुक्ति नहीं दिला सकती है? इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये बदलाव का वक्त है। इस बदलाव के वक्त में कोई शंका संदेह अपने मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि बचपन का एक अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। दुर्गा दशहरा का मौका है, बाबूजी हमको रावण जल रहा था फर्टिलाइजर टाउनशिप के ग्राउंड में, तो बोले चलो रावण देखने के लिए, तो गए वहाँ पे। एगो बड़का गो नाली था, मेरा एगो भाई कूदा नाली में, एक दरवनिया में जो है नाला टप गया,
हम रुक गए। बोले पप्पा हमसे नहीं तरकल जाएगा। पप्पा बोले देखो बेटा, अगर नाला छड़पते वक्त मन में शंका हो गया तो पक्का नाली में गिर जाओगे। अगर मन में शंका नहीं है, एक दरबनिया लगा, एक छड़पता जो है नाला उससे किससे उस पार हो जाएगा। मन में कोई शंका संदेह नहीं पालिएगा। और इसलिए मैं कहता हूं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने भाई साहब का कि आपने, रंजीत जी ने अपना समर्थन राजवंशी जी को दिया है। ये इस बात का गवाह है कि लड़ाई आर पार की है, इस बार हम लोगों के आर पार की लड़ाई को पार करना है। और एक शेर कहा जाता है, एक चिंगारी दह कंगार बनती है, एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। ये मीनार हम खड़ा करेंगे और बिहार में बदलाव का संकल्प हम लेकर के आए हैं। और जो हमारा संकल्प पत्र है वो तमाम पार्टियों का घोषणा पत्र है, और जो घोषणा पत्र है वही हमारा संयुक्त साझा कार्यक्रम है। इसीलिए चेहरा मत देखिए, चरित्र देखिए, नेता मत देखिए, नीति देखिए, संकल्प लीजिए बदलाव का। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।